Good evening, friends. I'm Hi, Dr. Liaquat, your host for tonight, and it's a great pleasure and honor actually for me to introduce such a great personality of homeopathy, very senior homeopath from Punjab. Sir is practicing since last 40 years. He is a famous name in Punjab and in Sehgal system, Dr. H. S. Madhavan. I think there is you will find very few people who doesn't know him. For me, though, I feel that everybody knows him. He's worldwide famous. Sir has done his degree from HMC, Homeopathic Medical College, Chandigarh, and he conducts seminars. He's organizer of Dr. Sehgal seminar. Sir has worked with Dr. Sehgal, sir. And one more thing that we are very proud of, sir is vice president of IIHP. It's the biggest organization in the world of homeopaths, senior faculty in Sehgal system. In July also, sir has seminar with Dr. Sehgal. He's a speaker of Sehgal system and practicing on mind since last 40 years. Okay, it's a great pleasure and honor for me to welcome Dr. Matharu, sir. Friends, let's welcome sir with big, big round of applause. Let us clap for him. You can unmute your phones and we'll clap for sir. Sir is going to speak on emergency cases today. You can ask any question to sir, but let him speak today more than we listen, more than we speak. I would want and I would request everybody to kindly maintain the silence, kindly mute your phones and don't keep your videos on. Let's see. Sir is so busy. He has taken some time for us. It's his greatness that he's giving us time and his knowledge. So please maintain the silence and listen to sir. Mataru sir, welcome. Sat Sri Akal. सत्रीकाल। आपके तरफ सर अभी आप ओवर टू यू सर. थैंक यू। आज मेरे लिए सबसे भाग्यशाली दिन है, आप लोगों के साथ बैठ करके पढ़ने का मौका मिला है। ये पढ़ाने की बात नहीं है, ये पढ़ने की बात है। और मैं सबसे पहले डॉक्टर लियाकत जी को मैं तो सैल्यूट ही करना चाहूंगा, ऐसी पर्सनैलिटी को, कि भाई लियाकत मीन्स फुल ऑफ तहजीब। वो हर तरफ की तहजीब, मेडिसिन की, जनरल नॉलेज की, बिहेवियर की, हर तरफ से। तो ये इन्होंने जो तो मिशन चलाया है, मेरे को भी इन्होंने उसमें भाग्यदार होने का मौका दिया है। मेरे को खुशी है इस बात की कि मैं इन सब लोगों के साथ मिलकर के बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जो लोग होम्योपैथी को अपना धर्म और अपना मिशन बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को बाखूबी पता है कि डॉक्टर लियाकत की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उनके पास टाइम ही नहीं है। और बहुत पेशेंट भी बताते हैं कि सर फोन भी नहीं उठाते, बात करने का कम टाइम होता है उनके पास। बट इतने बिजी शेड्यूल में जो आदमी होम्योपैथी के लिए, जो एक कॉमन मिशन है हमारा, हम सब लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब छोटी मोटी इनके द्वारा आरंभ किए हुए यज्ञ में आहुति डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और मैं परमात्मा के आगे अरदास कर रहा हूँ कि परमेश्वर इनको और समर्थता दे, ताकि और आगे बढ़ें और आगे हम लोगों को साथ लेकर के चलें, हम लोग सब लोग मिलकर सीखें। तो आज मैं, हमने हमारे गुरु डॉक्टर एम एल सहगल साहब जी को मैं फिर से याद कर रहा हूँ आपके समक्ष होकर के, कि वो इतना बड़ा समुंदर थे, इतना बड़ा बारिश हुई समुंदर से, इतना बड़ा फ्लड था नॉलेज का। तो उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। और मैं अपने ब्रेन के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जो एक आध कुछ लफ्ज उनसे सीख पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जितनी मेरी अपनी, इसको ये नहीं समझना कि मैं डॉक्टर सहगल के आपके साथ सारा कुछ मैं वही बता रहा हूँ,
जो सर ने सब कुछ बताया, जो मैंने सीखा, जो मैं सीख पाया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो डॉक्टर संजय साहब, डॉक्टर जोगेश जी इस इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली चला रहे हैं और ओरिजिनल शिक्षा दे रहे हैं और हम सब लोग उनसे सीख रहे हैं, उस परंपरा को हमने चालू रखना है। और एक बात चला करती थी, जब होम्योपैथी सिस्टम में कोई भी पेशेंट आता था और वो क्रॉनिक डिजीज के लिए आता था, कि भाई होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है और स्लो काम करती है, चलो मेडिसिन लेते हैं 2-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। ये हमारे गुरुजी का कमाल था, डॉक्टर एम एल सहगल साहब का, जिन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा है कि ये इतना अच्छा सिस्टम है, इट विल बी ए वेरी सॉफ्ट ब्रेड टू ईट, कि आप इतनी जल्दी जल्दी केस देख सकोगे, इतनी जल्दी जल्दी पेशेंट को ठीक कर सकोगे, अगर आपने इस सिस्टम को प्रॉपरली समझ लिया। तो थोड़ी बहुत समझ के हिसाब से जो मैं सीख पाया हूँ, मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। इस सर ने हमें सिखा दिया कि एमरजेंसी में कैसे पेशेंट के साथ डील करना है, कैसे पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। पहले कुछ समय था कि जब भी कोई आदमी बीमार होता था तो एलोपैथी के ही पास जाता था, और इवन के हमारे होम्योपैथी के घरों में भी, तो वो अगर पेशेंट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सब लोग एलोपैथी की तरफ से भागते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर की शिक्षा से आपके साथ कुछ बातें साझी करने को, कि मैं कहता हूं कि एमरजेंसी होम्योपैथी में भी डील की जा सकती है, और हम कोशिश की है, मैंने जो मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एक केस मैं आपके साथ शुरू में बात कर रहा हूं, ये बहुत देर की बात है कि ये केस मेरे दिमाग में आया, याद आया, उसको कोविड-19 के दिनों में वो मेरे पास आया था। उनके चेस्ट में बहुत ही जबरदस्त पेन हो रहा था और सीआरपी काफी बड़ा हुआ था, और तो पेशेंट आते ही अंदर मेरे सामने जब आया, तो अब मैं उसकी वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता, मेरे को आता नहीं है कि कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं। तो उसको पेशेंट की ऐसे, यहाँ से आप मेरे जेस्चर को समझिएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे वो सांस ले रहा था। मेरे सांस लेने की क्रिया को मैं थोड़ा बता भी रहा हूँ कि ऐसे सांस क्यों ले रहा था, उसको इतना जबरदस्त पेन हो रहा था। तो उनके जो अटेंडेंट साथ में आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है इनको, इनको बोलो कि मेरे को बताएं। सर ये आपको कुछ बता नहीं पाएंगी। मैंने कहा क्या बात है, क्या दिक्कत है इनको? सर इनको इतना जबरदस्त पेन हो रहा है यहाँ पर, वो पहले हम एलोपैथी की मेडिसिन भी ले रहे थे और जो एक्सरे वगैरह निकाला था वो एकदम वाइट वाइट ही लग रहा है। वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई इसके चेस्ट में काफ़ी दिक्कत आई हुई है, वो कोविड की वजह से आई हुई है, और कोरोना पॉजिटिव का केस था वो, और फीवर भी उसको 103 से ऊपर था उस टाइम में। वो इतनी ऐसे कंडीशन में आया था, वो कपड़ों में लिपटा हुआ लिपटी हुई थी लड़की। तो उसके हस्बैंड बोलने के, सर ये बोल नहीं पाएगी। सर क्यों क्यों ये बोल नहीं पाएगी? बस ये सर ऐसा ही ना, ऐसे पकड़े पकड़े एकदम चुप बैठी है, बस ऐसे लगता है कि ये इसका कोई भी इधर उधर नहीं हिलती, ये बात भी नहीं करना चाहती। मतलब अभी क्यों नहीं बात करना चाहती है? आपने इसे पूछा है कि सर इसको जबरदस्त खांसी होती है, ऐसे होना लगता है, तो जब ना ऐसे करती है वो बोलना नहीं चाहती, तो ये डरती डर के मारे बोलती नहीं कि मेरे को खांसी चढ़ जाएगी, जब खांसी शुरू शुरू हो जाएगी तो जस्ट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस ये चुपचाप ऐसे ही पकड़ के ही बैठी रहती है, हमें भी बस हल्का हल्का सा कुछ बताती है। बस ये इतना ही केस था, मैंने पेशेंट को पूछने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को, बस यही बताया थोड़ा सा खांसी आ जाएगी, बस इतना ही बोला उन्होंने, मैं बोल नहीं पाऊंगी। बोलो, जब मैं बोलती थी वो खांसी इतनी जबरदस्त हो जाती थी, वो खांसना खांसने को रोकने के लिए उसने चुप रहना पसंद कर लिया था। जी हाँ, देखो मैं वास्तव में टीचर नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाना भी नहीं आता, बट मैं तो जो जो
रॉ मटेरियल है जो मैंने देखा वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको आपको शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि जनरली ऐसा कुछ ही होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन है जो पेशेंट का, इस एक्सप्रेशन को हमने नज़रअंदाज नहीं करना, और जो एक्सप्रेशन सामने आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, जैसे कैंट साहब ने भी लिखा है, बी कीन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व ऑब्जर्व हमने क्या करना है, पेशेंट को करना है, और डॉक्टर सहगल साहब ने क्या एडिशन किया, प्रेजेंट प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट एंड परसिस्टिंग सिम्टम को हमने छोड़ना नहीं है, हमने वही स्थिति देखना है। आज के 2 साल पहले, साल पहले पेशेंट कैसा था वो हमने नहीं कंसिडर करना, हमने ये देखना है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या वापर क्या रहा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, जस्ट प्रेजेंट। और तीनों मुझे प्रेजेंट प्रोडोमिनेशन एंड परसिस्टेंट कंडीशन को नहीं छोड़ना, इसको जज करना है हाउ व्हाई एंड व्हेन, ये कभी नहीं छोड़ना। ये नुकता हम अप्लाई करते हैं हर बार, और हर क्रॉनिक केस में तकरीबन तकरीबन सक्सेस मिल जाती है। तो ये केस टेकनिक थी मेरी, छोटी सी केस टेकनिक, छोटी सी बातें हैं, और इन बातों को हम कंसिडर करेंगे कि ऐसे ही पेशेंट हमारी क्लिनिक में, आप सबकी क्लिनिक में ऐसा ही आते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के थोड़ा व्यू जानना पसंद करूंगा कि आपको ये सिचुएशन को देख के क्या लगा, आपको कि आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्यों हम मिलके पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाने की बात नहीं है, हम सब लोग बैठ के सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। हो सकता है जो मैंने काम किया हो आप लोग उससे भी अच्छा कोई एडिशन करके दें मेरे को, और हम सब लोग पढ़ रहे हैं बैठ के, आप लोग की क्या इसमें राय होगी, आप क्या करेंगे इसके बारे में। मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर या कोई भी इसमें इंटरेक्ट करना चाहे तो मेरे को बताए, नहीं फिर मैं खुद बताऊंगा कि क्या कर मैंने क्या किया। सर ये जलसीमियम है सर। जी सर, बहुत नज़दीक हैं आप, और अच्छा किया आपने। और कोई सर जलसीमियम और सर, ब्रानिया ब्रायोनिया दो लगे, पिक्चर, ब्रायोनिया लगे ब्रानिया और सर, जलसीमियम सर ब्रायोनिया दो पिक्चर हाँ है जी, भी सही बात है आपकी। और सर। ब्रायोनिया और बोल जलसीमियम में अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा तो फिर दोनों तो हम दे नहीं सकते। सर वो बोलने से भी डर रही है कि अगर वो उसका जो है वो उसका दिमाग वहां से हटा अगर तो उसको पेन सर वो हो जाएगा या सही खांसी कह आ रहे हैं आप, जाएगी। सही कह रहे हैं आप, बस यही डॉक्टर साहब एक्सप्रेशन से है हमारे पास, यही एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है यही पेशेंट ने दिए, और ऐसे ही एक्सप्रेशन बहुत सारे पेशेंट के हमारे सामने आएंगे, हम वही एक्सप्रेशन को जज करना है, बस उसको जज करना है, उसको रूबरू में कन्वर्ट करना है, मेडिसिन सामने आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। आप लोगों ने जो बताया काफी हद तक सही है और सही ही है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई और डॉक्टर इसके इसमें कोई एडिशन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको। सर फास्फोरस आप मेडिसिन नहीं, आप स्थिति बताइए कि क्या हमने समझा क्या, मेडिसिन तो अपने आप ही निकल आएगी, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, वो तो रेपिटरी का क्लिक करो अपने आप आ जाएगी, हमने तो राइट रूब्रिक राइट उसको उसमें डालना है। तो खैर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि 2-4 केस करेंगे हम आपके साथ पढ़ेंगे बैठ के। ये सबसे बड़ा एक सिम्टम मैंने कह लिया, कैसे वो इधर से पकड़े हुए थे, ऐसा खांस रहे थे थोड़ा थोड़ा, और खांसने से डर लगता था, बोल नहीं रहे थे वो। उसके हस्बैंड ने बताया, आपने सुना होगा कि उसने बताया था ना कि अगर ये बोलती है ना तो खांसी चढ़ जाती है इनको, और ये इसलिए डर के मारे बोलती नहीं है, ये सबसे बड़ा सिम्टम था उनका। डिस्टर्ब और अवर्स टू हाँ बिल्कुल डेफिनेटली डिस्टर्ब वाज टू, मैंने वही सिम्टम लिया इसमें, मैंने 4 रूपरेखा इसमें सोचे थे, 4 रूपरेखा को मैंने कंपाइल किया, तो मैंने उसको मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद में खैर मेरा एक रूटीन है, कई लोगों को शायद ये अच्छा भी नहीं लगता होगा कि भाई 15-15 मिनट के बाद में शायद लोगों को इकट्ठा करने के लिए बैठा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एमरजेंसी में आपको पेशेंट को रिलीफ देना जरूरी बन जाता है, वो पेशेंट इतना तकलीफ में होता है, देखो हम खुदा तो नहीं है, अगर हमने सिलेक्शन किया है मेडिसिन गलत भी हो सकती है, तो हम परमात्मा थोड़ी है, तो
एक तो देखो पेशेंट को रिलीफ इमीडिएट होना चाहिए, आपको अपने आपके सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि मैंने कितनी परफेक्शन से काम किया है। दूसरी बात, पेशेंट की हरासमेंट बच जाएगी कि आपके पास 10-15 मिनट बैठेगा तो इमीडिएटली पेशेंट में 5 मिनट के बाद में आराम आना शुरू हो जाएगा। 100% ये हो ही नहीं सकता। अगर आपकी मेडिसिन सही है तो 5-7 मिनट में पेशेंट आपको ठीक महसूस करके बताएगा। इसलिए मैं 15-15 मिनट में 2-3 बार पेशेंट को मेडिसिन देता हूँ। बेशक कोई जरूरी नहीं है कि उनको 3 डोज देनी है, डोज एक ही काफी होती है। सिंपली पेशेंट को एक अपने साथ अटैच करने के लिए उसको तब मैं ये देता हूँ। ये नहीं है कि हम पेशेंट को इकट्ठा दिखाने के लिए मतलब मैं बैठाता हूँ, ये बात नहीं है। तो मैंने 15 मिनट के बाद में उनको बुलाया पेशेंट को, और पेशेंट ऐसे लक्षण लग रहा था जैसे पहले ऐसे था ना, तो ऐसे लग रहा था। थोड़ा सा उसके चेहरे को देख करके मेरे को लगा, मैंने उसको पूछा कि बेटा कैसे लग रहे हो, तो सर वो धीरे धीरे बोल रहे थे। उसके हस्बैंड ने बुलाया कि बोल रहे कि थोड़ा सा फर्क लग रहा है। तो नेक्स्ट डोज फिर डाली मैंने, फिर 15 मिनट के बाद में बिठाया उसको, तो उसके बाद फिर देखा मैंने, फिर पेशेंट ने बोला कि सर पेन तो काफी कम हो गया है, अब मेरे को प्यास लगी है कि मैं पानी पी लूं, उससे दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। पेशेंट ने अपने हस्बैंड के साथ हल्का सा कान में बोला कि पानी पी लूं दिक्कत तो नहीं आएगी। वो सिम्टम फिर वही आगे आगे आ रहा है, जिसको बोलने से डर लग रहा है उसको अब पानी पीने से भी लग रहा है, वो पहले भी लगता होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अगर आपको अच्छा लगता तो पी सकते हैं। तो बार थर्ड डोज के लिए जब 15 मिनट और डाले हमने, 45 मिनट्स हो के बाद फिर पेशेंट हमारे पास आया अंदर, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा अब कैसे लग रहा है आपको। ऐसे सांस ली उसने, जो उसको पूरी सांस अंदर जा नहीं रही थी, वो सांस लेने से भी अंदर लगती थी। तो बोले कि सर अब मेरे को पेन नहीं लग रहा। मैंने कहा अब आप क्या बोल रही थी उस टाइम में। सर मैंने ये बोला था कि मैं जब थोड़ा सा बात करूंगी ना तो मेरे को बहुत खांसी चढ़ती है बात करने से, तो मैं उसके डरती डरती बोलती नहीं किसी से। तो अब कैसे लग रहा है सर, अब थोड़ी सी मैं बात भी कर रही हूँ आपसे पर खांसी नहीं आई अब। बस इतने में हमारा केस काम हो गया। तो मैंने उसको साइकिल लेके दे के भेज दिया, और 4-5 दिन के बाद में फिर से देखा, पेशेंट वाज क्वाइट ओके और सीआरपी लेवल तकरीबन नॉर्मल के करीब आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट के करीब था वो। तो ये केस था, इसको मैंने ब्राइनिया 30 की डोज दी थी, और ब्राइनिया 30 का ये कमाल जो है वो आप सबके सामने है। हम यही जो हमारी कॉमन मेडिसिन है इनके साथ एमरजेंसी को भी डील कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैंने सबसे पहले जो उसका सिम्टम था वो बोलने से डरती थी, वो हस्बैंड ने खुद बताया कि सर ये बोलने से डरती है, घर में ये बात नहीं करती। तो मैंने ये लिया, देखो डरना मतलब फियर, हम सीधे सीधे धीरे धीरे चलेंगे, किसी बात को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जिसको बच्चा भी समझाए। आपको खैर बहुत सीनियर लोग हो आपको सब पता है, बट इसको बच्चा भी समझ सकता है। हम ऐसे हिसाब से पेशेंट को बताएंगे कि कैसे मैंने देखा उसको, जैसे उसको डर लग रहा है, डर मीन्स फियर, आप पहले फियर निकाल लिया मैंने, कि उसको फियर तो है ही, किससे फियर लग रहा है, बात करने से लग रहा है, फियर टॉकिंग में लगा लिया। फिर टॉकिंग से हो क्या जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, उसको खांसी चढ़ती है इसलिए वो खांसती नहीं है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, सब कुछ सामने आ रहा है हमारे। ऐसा धीरे 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 आप अपने को प्रेजेंट पेशेंट के साथ में अटैच कर लीजिएगा, बस यही बड़ी खूबी है, इसी को कीन ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो इसका जिस रूबरी क्या हुआ, फियर टॉकिंग कफ लेस्ट इट ब्रिंग्स ऑन कफ, ये बड़ा क्लियर कट सिम्टम है। इसमें शायद ब्रैनिया एक ही होगी मेरे ख्याल में, ये काफी देर का मैंने केस देखा था, अब याद नहीं है, कोई सिना भी है और सर। सिना भी है। ओके तो मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं है, काफी देर हो गई मेरे को देखे हो, कम से कम 1.5-2 साल का केस है, मेरे याद आ गया। तो वाइट वांट्स टू, चुपचाप बैठना है ऐसे पकड़ के, आराम से उसको सपोर्ट दे के बैठी हुई है, वाइट वांट्स टू बी, डॉक्टर साहब ने किसी ने बता दिया था पहले ही, डिस्टर्ब वर्स टू बी पियर सफरिंग ऑफ, वो सांस भी लेना, पानी पीने से भी डर रही है,
ऐसा सांस उसने पहले लिया ही नहीं था। ब्रैनिया 30 की सेकंड डोज के बाद में उसने ऐसे सांस लेके बिताया। और लीजन इंजर्ड भी, ये सब सिम्टम मैंने लिए और ये हमारा केस देखना था। इसके बारे में कुछ भी पूछना होगा तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम क्लास के बाद में जो भी आपने पूछना होगा तो मैं बता दूँगा आपको। तो एक और नेक्स्ट केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बड़ा सिंपल और बहुत ही सीधा सीधा केस है। और कॉमन भाषा में जो लोग बात करते हैं कि कॉमन एक्सप्रेशन है, मैं तो ये आपसे एक विनती करूँगा कि आप पेशेंट के एक्सप्रेशन को इकट्ठे करते जाइए कि ये पेशेंट का एक्सप्रेशन था, ये पेशेंट का एक्सप्रेशन था, ये था, उस एक्सप्रेशन का मीनिंग हमारी रेपर्टरी में लिखा हुआ है, बस यही काम है। कैसे बात करता है पेशेंट, कैसे अपनी बीमारी के साथ रिएक्ट करता है, इस बात को हम कभी नहीं भूलें। तो नेक्स्ट केस उन्हीं दिनों की बात है जब ये कोरोना का काल था, उसमें बहुत लोग डरे हुए थे। हम लोग भी टेलीविजन पे इतना देखते थे कि अमेरिका में इतने केस, फ्रांस देश में इतने केस है, इतने डेड बॉडीज है, इतना ये है, ये इतना बड़ा एक दहशत तो फैली हुई थी लोगों में। तो एक मेरे पास बुजुर्ग आए, 63 की एज थी उनकी, तो देखने में तो खैर काफी अच्छी हेल्थ थी, लेकिन पहले भी वो आते थे कभी और पेशेंट के साथ, वो खुद पहली बार आए थे। उन्होंने देखा था कि पेशेंट बड़ा कोई फीवर वगैरह का केस होता है तो वो ठीक हो जाता है होम्योपैथी से। तो वो अपने बेटे को, उनके बेटे एडवोकेट हैं, तो उनको लेकर के साथ में आए। बोले डॉक्टर 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 बस बस बस, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, पता नहीं क्या हो जाएगा, बस मैं तो मर ही जाऊंगा, ये तो तूफान ही आ गया मेरे के अंदर, इतना लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बस मैं भी गया, बस कुछ ऐसा कीजिए सर, जल्दी मेरे को बचा लीजिए बस आप। बस ये ऐसा उन 63 वाले पेशेंट का एक्सप्रेशन था। वो गजेटेड ऑफिसर रिटायर हुए हुए थे, लेकिन जब पेशेंट होता है फिर वो कोई ऑफिसर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना उसकी कोई जात होती है, ना कोई बात होती है, ना कुछ होता है, फिर बस वो पेशेंट ही होता है। हमने उसके पेशेंट को उसी दशा में रिकग्नाइज करना है, हमने ये एक पेशेंट है आपका बस। तो उस एक्सप्रेशन को मैंने देखा तो मैंने उनको मेडिसिन दी, उनको थोड़ा सा फीवर था, इतना ज्यादा नहीं था जिससे वो ज्यादा डर रहे थे। फीवर अप्रोक्सीमेटली 102 के करीब था, 102 फीवर में कोई इतना ज्यादा तूफान थोड़ी आ जाता है जैसा वो फील कर रहे थे, बट उनको लग रहा था ना कि पता नहीं क्या हो गया, बस अब तो पता नहीं क्या तूफान आ गया, क्या हो गया, इतना इतना ये हो रहा है, इतने बेड पड़े हुए, इतने लोग मर रहे हैं सर, बस मेरा तो वो कुछ हो गया, बस मैं तो गया, अब मेरे को जल्दी बचा लो बस। ये एक्सप्रेशन था पेशेंट का। तो देखिए मेरी बातें ज्यादा आपको क्वालिफाइड तो नहीं लगेंगी, ये तो सीधी सीधी बातें हैं जो पेशेंट बताता है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मैंने कैसे इसको लिया। तो उनको मैंने मेडिसिन दी, वही मेरा 15 मिनट वाला मैं हिसाब रखता हूँ, इमरजेंसी केसेस में तो मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि देखिए हमें इतना सर्टन तो किसी भी डॉक्टर को शायद नहीं होता, पर मेरे को तो नहीं होता, कोई बहुत अच्छे बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे जो एक डोज डाल के भेज देते होंगे पेशेंट को कि भाई 5-10 दिन के बाद में आना एमरजेंसी में, बट आई कुडंट डेयर दिस। मैं तो पेशेंट को बैठाता हूँ, 15-15 मिनट डोज डालता हूँ, जब मेरे को कंफर्म हो जाता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो भेजता हूँ। ऐसे ही मैंने 15 मिनट के बाद में उसको बुलाया तो वो थोड़ा सा डर कम लगा था उसका, तो थोड़ा सा बैठा शांति में, फिर बोला कि सर जल्दी ठीक करिए ना आपको। मैं कोई बात नहीं, अब एक डोज और डाल देते हैं। तो सेकंड डोज डाली, फिर थोड़ा सा उसको इम्प्रूव लगा, तो उसका देखने में बैठने में, देखिए एक और बात मैं इसमें ऐड करता हूँ मैं, आप ऑब्जेक्टिव सिम्टम के ऊपर जोर दीजिएगा, सब्जेक्टिव के ऊपर कम दीजिएगा। सब्जेक्टिव कई बार क्या होता है कि पेशेंट मिसगाइड भी कर जाता है, ये नहीं है कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमेशा मिसगाइड करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव सिम्टम कम मिसगाइड करते हैं। को जो आपको दिख रहा है, पेशेंट तो बोल रहा है कि अभी इतना फर्क नहीं पड़ा, अभी इतना फर्क नहीं पड़ा, बट आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या लग रहा है, पेशेंट थोड़ा शांत लग रहा है। पेशेंट के पैरामीटर्स कैसे लग रहे हैं आपको, देखने में, बैठने में, उठने में, उसकी चेहरा का जो पहले का देखने में लग रहा था
वो कैसे लग रहा है, ये चीज आप देख पाओगे। पेशेंट कभी इतनी जल्दी आपको वो बता नहीं पाएगा और उसका अटेंडेंट भी नहीं पाता। तो मेरे को लगा कि पेशेंट थोड़ा शांत हो रहा है, और सेकंड डोज डाल के फिर भेजा उसको, और थर्ड डोज के लिए फिर बुलाया उसको। तो उसमें पेशेंट काफी अच्छा फील कर रहा था, और वो उसका वो जो उसको लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ गया भाई, इतने मर गए, ये हो गया, वो उन सबसे वो तकरीबन तकरीबन मुक्त हो चुका था, वो शांति से बैठ गया था। तो पेशेंट अच्छा फील कर रहा था, और 3 4 दिन के बाद में फिर वो एक बार साइकिल लेके गया, तो पेशेंट बहुत अच्छा है, अब भी मेरे पास आते हैं वो, और बहुत पेशेंट लेकर आते हैं वो। तो ये एक्सप्रेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि आप क्या सोचोगे इसके बारे में? आप सबको पता है, ये बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट हम थोड़ा आपस में रल मिल के बैठ के पढ़ते हैं तो शेयर करेंगे बातें। सर रस्टक लग रहा है, रस्टॉक्स लग रहा है सर, फियर वो डिजास्टर है, कैरी एंजाइटी डिजायर मतलब फास्ट, फियर है, जी और कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सिम्टम बताने की जरूरत नहीं है, आपने कहीं स्क्रीन तो नहीं देख ली मेरी? नहीं सर, ऐसे आपका सर कैसे आपने वीडियो सब कुछ बहुत ही दिन बता से, सर दिया जी? आपको सर फॉलो कर रहे बहुत दिन से, तो कौन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? डॉक्टर शैलेश सिंह सर, अयोध्या फैजा यूपी से ओह वेरी गुड वेरी गुड। मेरे सर, को बहुत फॉलो दिन नहीं से सर करना डॉक्टर आपको साहब, हम फॉलो कर मेरे रहे हैं को सर। फॉलो नहीं करना, मैं जिनको फॉलो करता हूँ आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ उनका, मैं तो खुद सीखता हूँ, मैं हर लेक्चर अटेंड करता हूँ सर के, डॉक्टर जिगेश सहगल के, डॉक्टर संजय साहब के, डॉक्टर अपने गुरु जी के ML सहगल साहब की बुक पढ़ता रहता हूँ, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ उनका। तो मैं कौन सा टीचर हूँ, आप मेरी बजाय उन सबको फॉलो कीजिए, मैं तो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो बिल्कुल सही बताया आपने, मैंने यही सिम्टम लिया, फियर डिजास्टर ऑफ इंजर्ड बीइंग कैरी डिजायर टू फास्ट। एक सिम्टम और ऐड कर लीजिएगा, फियर सुपरस्टिशियस, जो उनको लग रहा था, बस यही सिम्टम मैंने लिए, और रस्टॉक्स ही मैंने मेडिसिन 30 पेनिसिलिन दिया। कि हमारे हमारी ये दवाइयाँ जिनको हम पहले ऐसे ऐसे यूज करते थे, ये डॉक्टर एमिल सेटल ने बताया कि कैसे इमरजेंसी में ये आपके केस निकाल देंगे, ये हमारे लिए वरदान हुआ, उन्होंने हमें ये ज्ञान दे दिया, उसी ज्ञान की वजह से हम ये कर पा रहे हैं। आपको ठीक लगा ये केस? हाँ जी, बहुत अच्छा सर, ये मेरा जो कहने का, जो आपके साथ शेयर करने का जो तरीका लग रहा है, आपको सही लग रहा है कि नहीं? बस मेरे को ये क्रूड है मेरा सब कुछ, मेरे को प्रॉपर इसको रिफाइन नहीं करना आता, जैसा जैसा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है सर। तो एक नेक्स्ट केस और करेंगे हम, तो ये केस भी उन्हीं दिनों का है, वो इसको 1.5 1.5 साल की बात है। ये केस डेंगू में मेरे पास आया था, कि उन दिनों में हमारे इलाके में काफ़ी डेंगू का वो इन्फेक्शन चल रही थी, बहुत लोग इससे पीड़ित थे, काफ़ी लोग इतना कभी कभी OPD में काफ़ी रश हो जाता था, हर वक्त तो नहीं होता, खैर उन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो कभी कभी ना पेशेंट इतनी जल्दी का उसको समझना मुश्किल हो जाता था, बट ये डॉक्टर सहगल साहब की जो टेक्निक है, इसमें तो ऐसे ऐसे समझा जा सकता है, कोई बहुत नहीं लगता कि कोई बहुत डिटेल में बात नहीं करनी होती, पेशेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं होती। आपने इन दो केस में तो जज कर लिया होगा कि मैंने कितने क्वेश्चन पूछे, सिंपली ऑब्जर्वेशन है। और ये थर्ड केस है, जो उसमें पेशेंट आया इधर से, ये मेरा सामने उसका एंट्रिंग रूम है, अपने गेट है मेरा, उधर से आया, ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे ऐसे आया, मेरे आते ही उसने घुटनों को पकड़ के बोला कि सर मेरे को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए मेरे को, मेरे तो बच्चे रुल जाएंगे, मैं तो काम पे नहीं जा सकता, बस मेरे को बचा लीजिए, मेरे को डेंगू ठीक कर दीजिए, बस जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए, बस इतना ही केस। आप सब लोग समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं बट काम की हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, आप सबके पास भी आते होंगे, हम इनको कई बार क्या होता है कि नजरअंदाज कर जाते हैं, हमने इसको नजरअंदाज नहीं करना, हमने इसको मद्देनजर रखना है कि ये क्या हुआ। अंत पेशेंट ने दरवाजा खोला, आते ही मेरे घुटनों में पकड़ के पकड़ के, सर प्लीज ठीक कर दो मेरे को ना, मेरे को डेंगू हो गया है, मेरे को बच्चे रुल जाएंगे, मैं काम पे नहीं जा सकता, बस
बस जल्दी मेरे को सर, मेरे को बचा लीजिए, मेरे को जल्दी ठीक कर दीजिए। इतना रो रो के बात कर रहा था, बिल्कुल ही रोते रोते ही आंख उसने ऐसे पकड़ लिया। बस यही एक्सप्रेशन है पेशेंट का। सर सिपिया कैसे प्रेविंग फरवंट प्रेम फरवंट फरवंट, हाँ खैर ये भी लग रहा है, हाँ फरवंट भी है। हाँ पेशेंट जब किसी को भगवान के तुल्य मान के बात कर रहा है तो वो फर्वेंट ही होता है, बट उसके लफ्जों में तो खैर नहीं बोला था, लेकिन वो कर ऐसे ही रहा था जैसे आपने सोचा है। और कुछ है? हेलो सर, आज निकाल गो ये कौन बोले हैं डॉक्टर राम कुशमानी जी, कैसे? प्रेइंग प्रेइंग एंड हीलिंग कर रहा है एंड लेट द चिल्ड्रन अबाउट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। और कुछ, और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? सर प्रेइंग एंग्जायटी चिल्ड्रन अबाउट और कैरेट डिजायर टू बी फास्ट रिस्पॉन्स। बिल्कुल, तो और क्या हो सकता है इसमें? फियर ऑफ डेथ है सर जी, फियर डिजास्टर है सर, फियर डिजास्टर। फियर डिजास्टर सर, सब कुछ बर्बाद अगर वो खत्म हो गया तो एंजाइटी फैमिली भी है पर वो जैसे डिजास्टर वाला जो पहले पेशेंट ने बोला था ना कि वो इतना तूफान आ गया सब लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो आ रहा है, उसको हमने डिजास्टर में लिया था, लेकिन ऐसा नहीं बोला। ये तो सामने दरवाजा खोला, आकर के घुटने पकड़ के बोला कि सर प्लीज मेरे को ठीक कर दिया, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे को बस जल्दी जल्दी ठीक कर दिया, रो रो के बात कर रहा था, रो रो के। सर प्योर पावर्टी लेस पावर्टी की बात इसमें बच्चे भूखे पावर नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे वो नहीं, भूखे मरेगा ना, तो बच्चों की चिंता लगा सकते हैं हम इसको कि बच्चों को कैसे करेंगे ना। हाँ मतलब हम, हाँ बहुत वही हो ना कि पेशेंट की मंशा क्या है बोलने की, पेशेंट को वो उसको बच्चों की चिंता हो रही है इसको। और कोई डॉक्टर साहब एडिशन करना चाहेंगे इसमें? चलो मैं बता रहा हूँ, जो एक डॉक्टर ने पहले बताया था, पता नहीं कौन है डॉक्टर साहब, कि प्रेइंग नीलिंग एंड प्रेइंग, ये डायरेक्ट सिम्टम पड़ा है आपके सामने, वैसे ही सीधा ही आके एकदम झुक के मतलब घुटने ही पकड़ लिए, जो फर्मेंट होगा ना वो उसकी प्रेयर ऐसे होगी जैसे जितना मैंने सीखा है। तो सर प्लीज आप तो भगवान को ले आए, बस मेरे मन में आपके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे को ठीक कर दीजिए, ये मेरे को फर्मेंट का एक्सप्रेशन लग रहा है, आप यूज करके देख लेना अगर आपको फिट आ जाए तो, बट ये नीलिंग का एक्सप्रेशन था, उसने आके सीधे ही घुटने पकड़ लिए, घुटने पकड़ के बोला सर मेरे को बचा लो, मैं जल्दी जल्दी ठीक कर दूं सर, बच्चों की चिंता हो रही है, बच्चे भूखे ना मर गए, इतना रो रो के वो बता रहा था। प्रेइंग नीलिंग है, पूरा रूब्रिक है इसका, वो शायद मेरे को अभी याद नहीं है, प्रेइंग नीलिंग एंड प्रेइंग शायद ऐसा है कुछ, और कैरेट डिजायर टू बी फास्ट वीपिंग चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह वो रो रो के बता रहा था, है ना, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। तो मैंने आर्सेनिक दिया था उनको, तो आर्सेनिक का बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिला, ऐसी मैं 15 मिनट बाद में उसको देखा पेशेंट को, वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और पेशेंट बेटर हो गया था। और जब आपके आपका पेशेंट, मैं ये मेरा दावा है, क्या दावा करना नहीं चाहिए आदमी को, क्योंकि हम ह्यूमन बींग हैं, गलतियां सबसे होती हैं और मैं भी उन्हीं में हूँ, तो बट मेरा ये मेरा अपना एक तजुर्बा है इस बात का, अगर आपकी मेडिसिन सही है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, विद इन 15 मिनट्स आपका पेशेंट 50% से भी ऊपर ठीक होने की संभावना है, ये मेरा इतने सालों में देखा हुई बातें हैं जी, ये जजमेंट नहीं है बातों में, सिंपली असेसमेंट नहीं है, ये देखी हुई बातें हैं, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो बिल्कुल पेशेंट आपका एकदम ठीक होकर आपके सामने जाएगा। और ये मैं आज 3-4 केस ही 3 केस आपके साथ शेयर करना चाहता था, एमरजेंसी वाले, और एक केस मैं और आपको लिखूंगा, ये जनरल केस है। कितने बजे का टाइम है हमारा, कितने बजे हमने छोड़ना है? यस सर, वी हैव टाइम है सर।
हाँ, चार बजे तक है ना हमारा टाइम? बजे तक है जी सर। ओके ओके, बस मैं जल्दी जल्दी बाइंड अप करूंगा। नहीं नहीं सर, आप चाहे जितना उतना पढ़ाइए, हर का नहीं नहीं है, सर, आप चाहे जितना लीजिए, कोई सर नहीं। उसके बाद थोड़ा 4 बजे के बाद ओपीडी भी शुरू हो जाती है, और इसके हाँ लिए मैंने हाँ आपको रिक्वेस्ट की थी कि 4 से 5 मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो जी ओपीडी जी का जी टाइम हो जी जाता है। हाँ सर, एक मैं पेशेंट आपको, थोड़ा बड़े वाला पेशेंट जो एमरजेंसी का तो नहीं था, यार बड़ा सीरियस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक कैंसर पेशेंट था मेरे पास आया, उनको इंटेस्टाइन का कैंसर था। जी माता जी हैं, अप्रोक्सीमेट 70 के इनकी एज थी। अजय मेरे पास 1 साल से 1.5 साल हो गया इसको, पहले आया था। इनको इनको कीमोथेरेपी के लिए बोला हुआ था, इन्होंने कीमोथेरेपी नहीं करवाई कैंसर हॉस्पिटल से, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पेट में गांठें वगैरह बनी हुई थी, कैंसर की गांठें थी, और इनको भूख नहीं लग रही थी और काफ़ी तकलीफ में थी। बोले कि मैं वो कीमोथेरेपी नहीं करवानी, और पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो भी बोले कि सर हम कीमोथेरेपी नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कीमोथेरेपी का रिजल्ट सही नहीं मिलता, बल्कि पेशेंट और ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, इससे अच्छा तो हम माता जी की सेवा कर लेंगे घर में। ये पेशेंट के अटेंडेंट मेरे को बता रहे थे। मैं कहा माता जी आप बताइए आपको क्या तकलीफ है, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी तकलीफ के बारे में आप कुछ बताइए। उसने एक ही बात बोली, बेटा मेरे को मौत चाहिए, मेरे को ना मौत चाहिए, बस मैं तो मौत ही मांगती हूँ, ऐसी दवाई दे दीजिए आप। और माता जी और क्या? ओ बेटा मैं और क्या करूं, मैं बस मेरे को लगता है कि मेरे को मौत ही आ जाए बस। ये उसका सिम्टम था, और उन्होंने और भी कुछ बातें बताई। बोले कि बेटा ऐसा है, इतनी तकलीफ में शरीर रहता है, वक्त नहीं पास हो रहा, मेरे को लगता है ये पहाड़ जैसे दिन हो गए हैं, एक एक दिन मेरे को तो महीनों जैसे गुजरता है, इतनी तकलीफ में शरीर रहता है ना, तो लगता है ये टाइम पास ही नहीं हो रहा, टाइम इतना वक्त भी नहीं, इतने बड़े बड़े दिन लगने लगे मेरे को, रात ने इतनी बड़ी लगती है, लगता है कि रात गुजरती ही नहीं होती और दिन निकल ही नहीं रहा, पहाड़ों जैसे दिन लग रहे हैं, बड़े बड़े दिन हो गए हैं, बस मेरे को अब ना मैं इससे ऊब गई हूँ, इस स्थिति से आप मेरे को छुटकारा दिला दीजिए, बस कोई ऐसी दवा दीजिए मेरे को मौत आ जाए। माता मौत आ जाए क्यों, कम से कम इन तकलीफ से मेरा पीछा तो छूट जाएगा। ये बात है कि मेरे को पता है बच्चे कि मेरे को कैंसर है, मेरे को इतनी भयानक बीमारी है जिससे मैं जूझ रही हूं, मैं तंग आ गई उससे, बस आप मेरे को ना इसे निजात दिला लीजिए। ये सिम्टम्स थे। वो पेशेंट अब भी जिंदा है, बहुत अच्छी है, खाना भी खा रही है, और उनको दर्द भी नहीं हो रहा इतना ज्यादा, बहुत ही कभी कभी हल्का दर्द होता है, लेकिन 1.5 2 साल के करीब हो गए हैं, वो तकरीबन 99% वो ठीक लग रही है पेशेंट। अब एज इतनी ज्यादा हो गई है कि 75 से ऊपर है शायद, तो एज वाइज जो जो सिम्टम लग रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट था वो एकदम 99% के करीब ठीक हो रहा है पेशेंट। तो ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो जनरल एक्सप्रेशन है, ये ज्यादा दुख में ऐसा ही पेशेंट हमारे साथ कभी बात करते हैं, इन एक्सप्रेशन को कभी नजरअंदाज नहीं करना। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इसमें? कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं तो सिंपल सिंपली आपका रिएक्शन देखना चाहता हूं कि हो सकता है आपसे कोई और अच्छा एडिशन हो जाए इसमें। सर अपनी तकलीफों से ऊब गई है पूरी तरीके से, तो
और इस कंडीशन से अच्छा है कि वो मौत आ जाए और मौत आ जाए। बिल्कुल सही समझा आपने, ऐसा ही उसने बोला। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, क्या सोच सकते हैं, आपके क्या व्यूज होंगे? पहली रूपरेक तो सर डेथ डिजायर्स में जाएगी जी, और सर एंग्विश काम अगर लें तो अपनी पत्नी। चलो हाँ कोई बात नहीं, सोचिए आप, आप जो भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा इसके बारे में जो जो आप बोलेंगे कि ये हो सकता था कि नहीं, है ना। और कुछ सर? एनवी है, एनवी सर ऊब चुकी है सर, एनवी नहीं सर, एनवाई 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 जी सर। हाँ एनवी होता है तो किसी के साथ वो ईर्ष्या करना, थोड़ा ईर्ष्या करना, एनवी एनवी सर जी जी। और कुछ और कोई डॉक्टर साहबान इसमें अपना विचार रखना चाहते हैं तो? देखो आपने बोला डेथ डिजायर, वो तो साफ साफ बात बोल दी उसने, बिल्कुल सही बात है कि मेरे को मौत दे दो, कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा जीवन खत्म हो जाए, मैं छूट जाऊं इससे। छूट जाऊं का मतलब होता है मैं इससे निजात पा लूं, छूट जाऊं कि मैं हल्की हो जाऊं इससे। वो लाइट डिजायर फॉर्म में मैंने डाला उसको जी सर, लाइट कि मैं इससे निकल जाऊं, हल्की हो जाऊं, लाइट हो जाऊं। क्या लाइट हल्का ही होगा ना उस समय, जब बहुत आ जाएगी इनसे, इस बार से मुक्त हो जाएगी वो। लाइट डिजायर मैंने लिया, आपने जो बोला डेथ डिजायर वो भी सही बात है, और आपने बोला एनवाई बिल्कुल सही बात है, मैंने भी यही लिए। और सबसे पहली बात शायद आपको भूल गए होंगे, मैंने बताया था कई बार माइंड से निकल जाती है बात, कि उन्होंने बोला कि वक्त नहीं कट रहा है, टाइम पास इज स्लोली जी, टाइम पास इज स्लोली। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला था ना कि पहाड़ जैसे दिन हो गए हैं, अब इतनी तकलीफ हूँ, रातें नहीं कटती, जगती रहती हूँ पूरी रात, इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बात रातें लग रही है कि टाइम पास होने जैसा लग ही नहीं रहा। ये मैंने लिया था क्योंकि जो पेशेंट आपके सामने इतनी शिद्दत से बात कर रहा है, हम उस एक्सप्रेशन को कभी ना छोड़ो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। टाइम पास स्लोली अपीयर्स लॉन्गर, बड़ी बड़ी रातें हो गई हैं और दिन पहाड़ जैसे लग रहे हैं, टाइम पास इज टू स्लोली। ये रूब्रिक है, आप निकाल के कभी देख लेना, मेरे को थोड़ा सा अंदाजा है इस रूब्रिक का कि मैंने ये लिया था। तो एक लिया डेथ डिजायर, दूसरा लाइट डिजायर फॉर, तीसरा कि मेरे को पुत्र, मेरे को बोल रही थी माता जी कि बेटा मेरे को इतनी भयानक बीमारी है, बस मेरे को अब आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं चली जाऊं। ग्लूजन डिजीज इनक्योरेबल डिजीज है, उनको पता है माताजी को कि उनको कैंसर है, तो ये सिम्टम मैंने लिए, इसमें से प्लम्बम मेडिसिन निकल के आई थी। यस सर, प्लम्बम जी, प्लम्बम मैंने दिया था, ये मेरे को याद है। ये रूब्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अब मेरे पूरा याद नहीं है, मेरे को लगता है मैंने यही यही रूब्रिक लिए थे और जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्लियर कट केस था जो मैंने सामने देखा, वो मेरे पूरा याद है, अब तक भी याद है। और प्लम्बम से इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि उसको भूख लग रही है माता जी को, और लैट्रिन भी पास हो रही है उनको, पहले पेट में भारीपन रहता था, टॉयलेट कम आती थी उनको, वो पेट साफ हो रहा है और नींद भी आ रही है, और अब पेशेंट बैठ रहा है, अपने आप कुर्सी पे बैठ जाती है, वो थोड़ा आंगन में थोड़ा थोड़ा सा घूम फिर भी लेती है स्टिक के सहारे। और सबसे अच्छी बात है कि उनको जितने जबरदस्त पेन होते थे ना, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए, बहुत ही कम क्या 99.9% ठीक हो गए, कोई आभास ही होता है उसको पेन का। अब जिंदगी कितनी देगा परमात्मा ये नहीं हम जानते, कि
उसके क्योंकि उसके टेस्ट वगैरह भी नहीं है मेरे पास कोई, और उन्होंने कीमो वगैरह करवाई नहीं है। हाँ उनकी रिपोर्ट से है कैंसर हॉस्पिटल की, तो अब जब वो दोबारे वहाँ जाते नहीं है, मैंने उनको बोला था कि आप कैंसर हॉस्पिटल में एक बार फिर से चेक करवा के देखो कि अंदर की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा सर अब क्या जाना है, अब इतनी एज हो गई है, आप दवाई देते रहो, पेशेंट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो हम पेशेंट को मजबूर भी नहीं कर सकते कि भाई आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए। तो ये एक केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसमें आपको सही लग रहा है कोई, आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि इसमें क्या करना था? तो बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके साथ बिल्कुल क्रूड फॉर्म में शेयर की हैं। जो पेशेंट सामने आता है जैसे वो बात करता है वैसे ही बात बताई आपको, और आप देखो कितनी कितना सेगल सिस्टम का कितना अच्छा वो कितना अच्छा टेक्निक है हमारे पास। डॉक्टर सैगल साहब बोलते थे कि भाई इस सिस्टम के हिसाब से जब आप सब लोग काम करोगे तो तकरीबन सभी की मेडिसिन एक ही आने की संभावना बनेगी, और आप लोगों ने जो बताया तकरीबन वही सिम्टम बताए, वही रूब्रिक बताए जो मैंने लिए। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे गुरु जी ने हमारे इतना अच्छा जो तो हमारे हमें साइंस दे दी, हमें मेथड दे दिया, तो ये मेथड इतना कारगर सिद्ध हो रहा है। पहले क्या होता कि क्लासिकल में तकरीबन 10 डॉक्टर को बिठा लो आप, 10 की मेडिसिन तकरीबन अलग हो जाती थी। अब ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो गई है। जितने भी बहुत अच्छे टैलेंटेड डॉक्टर हैं, मैं तो खैर इतना जानता भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे काम करने वाले डॉक्टर हैं माइंड के ऊपर, सभी की मेडिसिन एक ही आती है तकरीबन। तो ये केस प्लम्बम के साथ चल रहा है, अभी 30 में प्लम्बम की डोज दी हुई है, एक बार 6 भी देनी पड़ी थी, फिर इसको मैंने 200 नहीं दिया मार्क्स में, फिर 30 पे ही दिया। अब 2-3 बार रिपीट जरूर किया है, लेकिन पेशेंट इज फीलिंग मच मच बेटर। तो अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, 5-7 मिनट एक और के केस कर लें जल्दी जल्दी थोड़ा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन वगैरह का रखेंगे। कोई किसी को थोड़ा अड़चन लग रही हो तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। और एक केस हम छोटा सा और ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा केस था, ये भी डेंगू के दिनों के दिन में आया हुआ था केस, बट इसको इतनी ज़्यादा एमरजेंसी नहीं लग रही थी। ये इसने वैक्सीन करा रखी थी कोविड के लिए, जो हम वैक्सीन करवाते हैं ना कोविड के, वो इसने करवा रखा था। उसके बाद में मेरे पास आया, सर ये जब से वो मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं तो तब से मेरी सेहत बिल्कुल ही बिगड़ गई है, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं रह रही मैं, तो मेरे को लगता है जे उसी की वजह से सब हुआ है। जब से ये इंजेक्शन लगाया ना उसके, मैं तो अच्छी भली थी, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। वो स्कूल टीचर थे, हैं स्कूल टीचर हैं, ये बोला कि सर हमारे डिपार्टमेंट में ये जरूरी बन गया है कि हमें इसकी जो वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तो मेरे को लगवानी पड़ी। और वो उसके बाद में मेरे को ये तकलीफें बढ़ गई और मेरे को हल्का हल्का कभी फीवर भी रहने लगा है और शरीर में पूरा दर्द होता रहता है। मैं उसके बाद अपने आप को तंदुरुस्त नहीं फील कर रही। और भी सर मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, मेरे साथ में कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को मैं मिली हूँ, मैंने बातचीत भी किया है कि उनको भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, पर मेरे को भी यही प्रॉब्लम आ गई है। कोई इसका कोई समाधान है, कोई कुछ आप ऐसा कुछ कोई मेडिसिन होम्योपैथी से कोई ठीक करें? तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप वो कोविड में आपके पास आए थे, वो आपकी मेडिसिन से ठीक हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे को कोविड तो नहीं है, तो मैंने वैक्सीन करवा लिया है, बट ये तकलीफ के लिए मैं आपके पास आई हूँ, क्या विचार है आपके? जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है आपको। सर एक तो रॉन्ग सफर्ड है, ओके जी, दूसरा सर इंजरी बीइंग इंजर्ड है, बिल्कुल वो भी सही लग रहा है, उसके बाद किसी के बताने से सीधे आ गई है, तो फ्रिवोलस हो सकता है। किसी के मुताबिक आपने क्या बोला सर? किसी के बताने से
किसी ने बताया कि वो आपके यहाँ से आके ठीक हुआ है, हाँ तो उसको हम ना फेबुलस नहीं क्रेडुलस, बोलते हैं, क्रेडुलस क्रेडुलस, बोलेंगे, हाँ क्रेडुलस बोल क्रेडुलस। सकते हैं। लेकिन उसने ये बताया था कि बहुत लोगों को ये हो रही है, मेरे को भी यही हो गई है, ये सुपरस्टिशन की बात है। सुपरस्टिशियस, हाँ, सुपरस्टिशियस। और जो किसी के कहने से भी बात हो गई वो ठीक हो गए थे, मैं भी शायद ठीक हो जाऊं, ये भी सुपरस्टिशियस ही फेथ है उसका। तो सुपरस्टिशियस। बाकी बातें आपकी सबकी सही है, मैंने ऐसे लगाया था इसे। तो मैंने उनको लेक्चर्स दी थी। लेक्चर्स देने के बाद में उनको क्या हुआ, उनको नाक से खून बहने लगा। तो तीसरे दिन ही पेशेंट का मेरे पास फोन आ गया, सर आपकी दवाई ने तो और भी खराब कर दिया, वो सिम्टम अब भी उसमें था, रॉन्ग है सफर का। सर पहले तो कोरोना वैक्सीन ने मेरे को मार दिया, अब आपकी दवाई ने भी इतना खराब कर दिया, मेरे को तो नाक से खून बहने लगा। मेरी तो हालत तो बहुत बुरी हो गई सर, क्या करूं मैं, इतना इतना खून जा रहा है, इतने गाड़े गाड़े वो क्लॉट्स भी जा रहे हैं सर, ये क्या हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई और ही प्रॉब्लम बड़ी हो जाए। तो अब इस स्थिति में हम सब लोग फंस जाते हैं। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब पेशेंट आपके पास आता है उसकी आप सब बातें नोट कर लीजिएगा, क्यों पेशेंट भूल जाता है उनको। जैसे उसने बताया था मेरे को तकलीफ होती है, हेडेक होता है, ये फीवरिश सा लगा रहता है और भूख कम लगती है और नींद थोड़ी सी कम आती है और शरीर बेचैन रहता है, ये चीजें हमने बातों को मैंने नोट किया हुआ था। तो थर्ड डे जब फोन आया था इस बात को लेकर के, सर आपकी दवाई ने तो और भी बिगाड़ दिया, तो मैंने पूछा कि आपका वो जो हेडेक बता रहे थे आप, वो कैसे है। सर हेडेक को क्या करूं, हेडेक तो ठीक है लेकिन ये इसका क्या करूं, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई मेरी। अच्छा मैडम आपको जो और बता रही थी कि जो फीवर भी लग रहा था ना आपको, वो कैसे है, कितना है। सर फीवर फूवर तो नहीं है, फीवर की आप बात छोड़िए, ये इसका क्या करूं, ये तो बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अब सर देखिए इस बात में क्या है, यहाँ यह जो स्थिति है ये हम सब लोगों के लिए एक थोड़ी सी एक कुंजड़ वाली स्थिति बन जाएगी, इसमें हर डॉक्टर को घबराहट हो सकती है कि भाई पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग हो रही है हम क्या किया जाए। पर इसमें हमारे गुरु जनों ने हमें बताया है कि आप पेशेंट के जनरल पैरामीटर को कभी नहीं छोड़ना, और हमारे डॉक्टर सहगल साहब जी ने बताया है कि एक एनर्जी लेवल है बॉडी का, उसकी वेलबींग फीलिंग है, आप उसको जरूर पूछना है। वो बेशक जितनी मर्जी हड़बड़ाहट में भी पेशेंट ने बता रहा है, लेकिन उसने ये तो बता दिया ना कि हेडेक भी ठीक है और फीवरिश फीलिंग भी ठीक है और जो ज्यादा तकलीफ की बात थी वो भी कम है। तो मैंने उसको हौसला करके ये बोला कि आप एक दिन वेट कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। पेशेंट ने फिर बोला कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाए, कहीं मेरे को एडमिट ही होना पड़ जाए। फिर आप बोलोगे कहीं भाई पहले ही एडमिट हो जाते, मैंने ऐसी बात नहीं, आप एक दिन और रुक जाइए। तो मेरे को भी बड़ी बेचैनी लगी इस बात की, देखिए आप सबको होगी या पेशेंट ऐसी स्थिति में आपके साथ ऐसी बात कर रहा है। तो थर्ड डे उसका, सेकंड डे के बाद में एक दिन के बाद में फिर उसका फोन आया। हाँ सॉरी, सेकंड डे फोन आया ही नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि पेशेंट तो एडमिट हो गया होगा अब, क्योंकि तो मैंने बोला था कि एक दिन वेट करके बताना मेरे को, और 3 दिन निकल गए, बताया ही नहीं उन्होंने। चलो तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम फेल हो गए इसमें, पेशेंट कहीं चला गया होगा। और उसके बाद चौथे दिन वो खुद ही आ गए मेरे पास। हाँ मैडम कैसे हो आप। सर वो तो रात को ही ठीक हो गया था, शाम को उसके बाद में तो ब्लीडिंग ही नहीं हुई। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं इंजेक्शन लगवा के आती हूँ कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बाद ब्लीडिंग अपने आप ही कम होती गई, बिल्कुल ही ठीक हो गई। और अब तो मैं ठीक लग रही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक है और जो फीवरिश फीलिंग है वो भी ठीक है, हेडिंग भी ठीक है। तो मैंने उसको साइकिल लेके देके भेज दिया। इस केस में एक छोटी सी बात समझने जैसी है, वो क्या है, हाँ कि पेशेंट आपको भी ऐसा ही बोल सकता है,
और हम भी घबरा जाएंगे कभी कि ऐसा क्या हो गया। आप पेशेंट ने जो बातें पहले बताई उसको नोट करके रखो और उसके बारे में पहले पूछो, उसको बोलो हाँ ये बात तो आपकी सही है, मैं इसका भी ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं इसका उपचार करूँगा और इसको भी हम हैंडल करेंगे, पहले आप मेरे को ये थोड़ा सा बता दीजिए कि जो जो बातें मैंने पहले आपसे सुनी थी आपने मेरे को बताई वो कैसे लग रही हैं आपको, उसको थोड़ा शांत करके पूछिए। तो पेशेंट डेफिनेटली आपको बताएगा कि वो जो उसने आपको चीज़ बताई थी ना उसमें कमी आ गई है, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हमने नज़रअंदाज नहीं करना, ये हमें गाइड करेंगी कि हमारी पेशेंट की जो डेस्टिनी क्या है, हम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा जो सफ़र है वो हमारे राइट टारगेट की तरफ है, बस ये बात इस केस में देखने जैसी है। ये इस केस में नहीं है, इस केस में तो हमने सीख लिया, हर केस में ऐसे ही देखना है। तो इनको मैंने लेक्सिस दी थी, सुपर सीसियस लूजन इंजर्ड विंग लूजन रॉन्ग है सफर फियर बीट्रेड ऑफ, बीट्रेड का सिम्टम बाद में लगाया, बाद में आया था लेकिन उस टाइम में बीट्रेड मैंने नहीं लगाया, मैंने ये तीनों ही सिम्टम लगाए थे, सुपर सीसियस डिलूजन इंजर्ड विंग और डिलूजन रॉन्ग है सफर, ये मैंने लगाया और उनको लेक्सिस दी और बाकूबी लेक्सिस ने कमाल कर दिया इस बात को। आज के लिए इतना ही, मेरा टाइम हो गया है आपके पास और ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं खराब करूँगा, और कोई भी जो जो हमने बातें की आपके साथ शेयर किया उसके रिगार्डिंग कुछ भी मेरे से कोई गलती हो बताने में आप फिर से पूछ लीजिएगा, और जो बात मैं नहीं भी बता सका और कोई रहेगी वो बात वो मेरे से पूछिएगा, और कोई और क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग जो मैंने बोला तो मैं आपके लिए बैठता हूँ थोड़ी देर। Hello, doctors. You can ask any questions, sir. Hello. Apart from what he has taught, any other things also, if you want to ask, sir is there available now. आपकी आवाज प्रॉपर जा रही है मेरे को। ये प्रेज बाद में। हेलो, ये प्रेज बाद में कीजिए, पहले सर को पूछिए। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। Apart from हाँ, definitely. Cases also you can ask questions. Definitely, definitely. जितना मेरे को आता होगा मैं जरूर बताऊंगा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। हम लोग लाइट डिजायर फॉर किस किस सेंस में ले सकते हैं, जैसे अभी आपने लिया था लाइट डिजायर फॉर वो जो मुक्ति पाना चाह रहे थे, तो लाइट डिजायर है वो फ्री हो जाएगा ऐसे। और लाइट डिजायर देखो क्या होता है, वैसे तो डॉक्टर साइकिल की आप बुक पढ़ना उसमें लाइट डिजायर के बहुत से मीनिंग आपको बताए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि लाइट को हम कैसे करते हैं कि देखिए हम ठंडा पानी पी रहे हैं, ऐसे मैं पी रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ ये भी लाइट हो गया, और सिंपल जो दूसरी लाइट हम देख रहे हैं वो भी लाइट है, कोई पेशेंट आपके साथ पूछना चाहता है कुछ भी पूछना चाहता है वो भी लाइट है, इसके बहुत से वर्जन हैं, आप डॉक्टर सैगल साहब के वॉल्यूम में पढ़िए उसमें आपको सबसे सब वो वर्जन आपके सामने आ जाएंगे। जैसा भी पेशेंट किसी भी चीज़ से मुक्ति चाहता है किसी भी बात को जानना चाहता है वो लाइट में लग जाएगा। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि सर अगर गैस पास हो जाए ना गैस निकल जाए ना इससे मैं अच्छा हो जाता हूँ वो भी लाइट है। ओके, अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज भी चाहता है तो भी लाइट डिजायर वो भी लाइट है, वो भी लाइट है। हाँ, अगर वो नॉलेज सिंपली चाहता है कि सर ये कैसे है, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा ना ऐसे है, वो तो सिंपली लाइट तक ही सीमित रहेगा। अगर वो उसे बार 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 क्वेश्चन करता है फिर आपको वही फिर क्वेश्चन का फिर और क्वेश्चन करता है फिर और क्वेश्चन करता है वो आगे थोड़ा डीप में चला जाएगा, उसको हम इंक्विजिटिव बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ? And wonderful session sir, बहुत अच्छा लगा आज का session, thank you so much, thank you. जी, okay. हाँ, आज के लिए इतना ही, अब हम चलें। तो फिर हम लोग को next time दीजिएगा, please sir, it's my humble request in your holy faith. कोई बात बिल्कुल प्रियंका सर आएंगे बेटा पक्का आएंगे,
कहेंगे इंशाल्लाह, हम थोड़ी ना सर को छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं मेरी तो सीधी साधी बातें हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है जो सिंपली मैं तो इधर जैसे जैसे, क्योंकि हमारा इलाका भी कुछ ऐसा है तो मैं वैसे ही देसी आदमी हूँ, तो मैं तो जैसे जैसे छोटी छोटी बातें पेशेंट से देखी है, जैसे क्रूड एक्सप्रेशन आपको दे दिए, ये एक्सप्रेशन वो है जो कभी भी गलत नहीं होंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को किसी ने देख लिया इसको अप्लाई करना बिल्कुल आसान होगा, ये पक्की बात है। वही है सर, आप इट इज योर हम्बलनेस एक्चुअली कि आप चीजों को इतना सिंपल और सिंपल बोल रहे हैं। आपने जो भी आज ज्ञान दिया है वो बहुत ही गहरा, और जो जैसे आपने बताया कीन ऑब्जर्वेशन जो हमारी नजरों से आमतौर पर निकल जाता है जी सर, तो उस चीज को पकड़ना, उसके अंदर महारत बहुत आसानी से करना एक मंझा हुआ खिलाड़ी कर सकता है। आप माशाल्लाह से बहुत ऐसी बात तो नहीं है, ये सब गुरुओं की कृपा से होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर नॉलेज, एंड वी वुड अगेन वी विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड वी विल बी सीकिंग योर नॉलेज, वी विल बी सीकिंग टू लर्न फ्रॉम यू इन फ्यूचर। आज हमारा 52nd सेशन था, 100 सेशन का हमने प्रॉमिस किया है इंशाल्लाह, उसमें सर फिर से आएंगे, बार बार आएंगे, कोई बात और हम सर को हम लोग टॉपिक्स देंगे, उस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे कि सर से हम सीखें। और एक चीज आपको बताता हूँ कि सर का बेटा जो है अमन, वो मेरे बच्चे जैसा है, जो बहुत इज वेरी क्लोज टू मी, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो आपकी तकरीब करता रहता है, बहुत तारीफ करता है आपकी, आपसे सीखता भी है, वो सीखते भी है आपसे। जी जी जी, वो बच्चा है सर, इज लाइक अ चाइल्ड टू मी, इज लाइक अ स्मॉल ब्रदर। जी जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग देयर। Thank you, sir.